वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा एक सब्सक्राइबर है, भाई है हमारा, कोई क्रिश्चियन कम्युनिटी को बिलोंग करता है, और वो मुझे काफ़ी टाइम से मैसेज कर रहा था कि आपके जीसस क्राइस्ट को लेके क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। तो मैंने उसको फ़ोन पे बताने की कोशिश करी, लेकिन वो कहता है कि नहीं, आप एक बार वीडियो बना के इसको अपलोड करें और आपके जो ओपिनियन है, और मैं उस वीडियो के ज़रिए मैं जानना चाहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि सिखिज़्म के अंदर, सिख धर्म के अंदर, किसी के भी धर्म ग्रंथ को या किसी के भी धर्म गुरु को क्रिटिसाइज़ करना सख्त मना है। आपको उंगली उठाने की सख्त मनाही है। जिसके जो बिलीव्स हैं वो उस पर टिका रहे, और हमको बीच में टांग ना अड़ाने की सख्त हमको निर्देश दिए गए हैं। और लेकिन ये है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने ये फरमाया कि जो खालसा है, जो अपने आप को सिख मानता है, वो कभी पहल नहीं करेगा, लड़ाई हो चाहे बहस हो। तो भाइयों, मैं इसके ज़रिए कोई ये नहीं चाहता कि मैं किसी के दिल को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मैं दूंगा अपना पर्सनल ओपिनियन ही। हो सकता है कईयों को अच्छा लगे, कईयों को बुरा लगे, तो बिना मक्खनबाजी के मैं ओपिनियन दूंगा आपको, क्योंकि बिना एडिट किए बात की, मतलब मेरी जो दिल की बात है, जो मैं पर्सनल ओपिनियन है, वही शेयर करूंगा मैं आपसे। किसी को खुश करने के लिए मैं कोई भी ऐसी अपने पास से बात नहीं जोड़ूंगा जो गलत हो या जो मान्य ना हो। तो भाइयों, जीसस क्राइस्ट को मैं एक सिर्फ एनलाइटेड मानता हूँ कि वो एनलाइटेड थे, उन्होंने ईश्वर वाहिगुरु की भक्ति करी और उनको एनलाइटमेंट मिल गया, और फिर उसके बाद उन्होंने मानवता की भलाई में जो भी काम किए, बहुत सराहनीय हैं। इसके लिए मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं उनको मैसेंजर नहीं मानता पर्सनल तौर पे, क्योंकि मैसेंजर और एनलाइटमेंट के, एनलाइटेड जो बंदे होते हैं उनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैसेंजर वो होता है जो डायरेक्ट वाहेगुरु के, खुदा के हुक्म के अंदर धरती पे जन्म लेता है, और एक मिशन कह लो या एक खास काम कह लो, उसके लिए उनका जन्म होता है। जैसे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने फरमाया, मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। मतलब कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज फरमाते हैं यहाँ पे, मैं हूँ परम पुरख। परम पुरख कौन है? वाहेगुरु, परमेश्वर, खुदा। मैं हूँ परम पुरख को दासा, कि मैं उसका दास हूँ, मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ। देखण आयो जगत तमाशा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं खुद खुद गॉड हूँ, कभी नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा मैं हूँ परम पुरख को दासा, देखण आयो जगत तमाशा। मतलब जो दुनिया के अंदर अधर्म और बुराइयों के जो तमाशे हो रहे हैं, उसको देखने के लिए, सुधारने के लिए, और मालिक ने मुझे ये तमाशा देखने के लिए भेजा है। और जो भी आप मैसेंजर्स जो होंगे ना, वो आप एक बात नोट करेंगे कि जैसे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, जगत गुरु नानक साहिब जी महाराज, या श्री कृष्ण जी, वो बचपन से ही, बाई बर्थ से उनके लाइफ के अंदर, आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे ना, तो बाई बर्थ से ही उनकी लाइफ के अंदर ऐसे अनोखे मिरेकल्स होते हैं, जो जो आम इंसान के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो बचपन से ही जो मिरेकल्स करते हैं, मतलब बाय बर्थ से ही उनकी जीवन के अंदर ऐसी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जिससे ये जग जाहिर हो जाता है कि वो मालिक परमेश्वर के मैसेंजर हैं, असली मैसेंजर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जीसस क्राइस्ट हैं, वो भी तो मिरेकल करते थे। एनलाइटमेंट होने के बाद उन्होंने कई जो आँखों से देख नहीं सकते थे उनको रोशनी दी, कईयों के पैर ठीक कर दिए, कोई लंगड़ा था उसको वापस वो ठीक हो गया, या किसी को बीमारी थी वो ठीक हो गई, कईयों के कोर ठीक कर दिए। तो भाइयों, एनलाइटमेंट जब मिल जाती है तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ वहाँ मिल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको परमेश्वर वाहेगुरु की प्राप्ति हो गई है, वो एनलाइटेड हैं। और इसमें कोई लेवल नहीं होता, जो अलाइटमेंट होता है वो बराबर होता है, किसी का भी हो, ना ऊपर ना नीचे, सबका लेवल यहाँ पे आके बराबर हो जाता है। तो वो भी है कि जो कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी की मन की मुराद पूरी कर देना, किसी का कैंसर ठीक कर देना, किसी की बीमारी ठीक कर देना, किसी का कोढ़ ठीक कर देना, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है वो ठीक कर देना, कोई भी तरीके की कोई परेशानी है, कोई भी किसी की मुराद है, या किसी भी तरीके का कोई ऐसा काम है जो लोगों को एक चमत्कार लगता है, पर उन लोगों के लिए चुटकियों का खेल है और मैं यहाँ पर डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो मेरे हिसाब से जीसस क्राइस्ट थे, वो भी एक एनलाइटेड थे, और मैं उनको मैसेंजर नहीं मान सकता, क्योंकि जो मैसेंजर होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि वो डायरेक्ट मालिक के हुक्म के अंदर आता है। जैसे गुरु नानक साहब जी, गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरबाणी है आसा जी दीवार, उसके अंदर गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं,
नानक ता का दास है सोई निरंजन देव। नानक वो गुरु नानक साहब जी आप निरंकार रूप थे, और फिर भी उनके अंदर इतना हम्बलनेस थी, इतनी विनम्रता, इतने वो विनम्र थे कि वो फरमाते हैं नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। निरंजन कौन है, निरंकार कौन है, परमेश्वर, मतलब मैं उस मालिक का भेजा हुआ हूँ इस कलयुग के अंदर, इस कलयुग की आग को, जलती हुई अधर्म की आग को शांत करने के लिए मालिक ने मुझे यहाँ भेजा है। जबकि वो आप निरंकार का रूप थे, एक उनकी प्रकट ज्योत थी गुरु नानक साहब जी महाराज, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बोला कि नहीं मैं वाहिगुरु नहीं हूँ, वाहिगुरु एक है जो सच में एक है, वो जन्म नहीं लेता कभी भी, लेकिन बाइबल के अंदर ये लिखा है कि मैं ही गॉड हूँ या मैं ही परमेश्वर हूँ, मैंने ऐसे सुना था। तो ये क्योंकि एक नहीं है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जब से उनको गुरु की पदवी मिली है तब से वो एक ही हैं, एक पॉइंट भी उसके अंदर चेंज नहीं हुआ। गीता है वो भी एक है, कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुए, लेकिन बाइबल के बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से जो असली बाइबल थी जिसके अंदर एक्चुअल ट्रुथ था, वो आज थोड़ी सी गायब है, और लोगों के हाथ में वो वाली बाइबल है कि जो लोगों ने अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके उसको लिख दिया और उसी का ढोल लेके पीट रहे जगह जगह जाके, जो भी इन्होंने कन्वर्ट करने की कन्वर्सेशन की, जो उन्होंने फैक्ट्रीज खोल रखी हैं, अड्डे बनाए हुए हैं, खैर धीरे धीरे करके सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो दोस्तों मेरा किसी का दिल दुखाने का, क्योंकि एक मेरा कोई सब्सक्राइबर है वो मुझे मैसेज कर रहा था, 2-3 दिन से मेरी उससे बात हो रही है, वो ज़बरदस्ती कह रहा है कि नहीं आपको मानना ही पड़ेगा कि जीसस ही गॉड है, मतलब उसके हिसाब से वही एंड है और वही स्टार्टिंग है, मतलब वो कह रहा है कि गॉड ने अगर कोई शरीर रूप धारण करके आया तो वो जीसस के रूप में आया है, पर मैं उनको मैसेंजर भी नहीं मानता, गॉड तो बहुत दूर की बात है, मैं उनको एलाइटेड मानता हूँ जैसे गौतम बुद्ध थे। तो भाइयों मैंने बिना किसी बटरिंगबाजी के और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था वो मैंने आपके सामने रख दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मैटर के अंदर आपके जो पर्सनल ओपिनियन है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। आप वीडियो लाइक करें या डिसलाइक करें वो आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन इस मैटर के ऊपर आपके जो कमेंट है वो आज ज़्यादा ज़रूरी हैं, और कोई भी भाई गालियों का प्रयोग ना करे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे वो मैं वो डिलीट कर देता हूँ, फिर आप लोगों को बुरा लगता है, और ये 2-5 लोग ही हैं। तो भाइयों बताना आपने आप ओपिनियन, आज सजेशन देना मुझे आप क्या सोचते हैं मेरे व्यूज़ के ऊपर, आपके क्या व्यूज़ हैं वो जानना चाहता हूँ मैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।